हे भगवान, अपने कोख के जने को तो कैसे भी पाल ले, लेकिन सौतन का बच्चा और वो भी बेटी, न जाने कौन का ताना मार के चला जाए, सांस ऊपर ही अटका रहता है। ए गंगवा, ए कलमोहिनी, यह भगली करम जली बोल कहे नहीं रही है, इसके मुंह में खोरनाठी कोचेंगे ना तभी लड़की बोलेगी। पूरे दिन मोबाइल में रील फील बनाती रहती है, अरे अपने रूप का रस पूरे दुनिया में बिखराती रहती है। बोलो आम तो करेगी इमली, एक भी काम सही से नहीं कर पाती है। एक दिन इसका मोबाइल लेकर चूल्हे में झोंक देंगे, न रहेगा बांस न बाजेगा बांसुरी, पूरे दिन मोबाइल में टिपिर टिपिर पिटिर पिटिर करती रहती है। कितना कोसे अपने किस्मत को, कितना रोए, किसके आगे रोए, जब हमारा ब्याह हुआ ना हमने सुहाग के सेठ पर हमें सौतन की बेटी मिली, सौतन की बेटी। अगर हमारा बस चलता ना तो कोई भी अलाय बलाय से इसके ब्याह करके भगा देते यहाँ से, लेकिन कैसे करे, समाज वाले है ना मुंह बाग हमरे ऊपर देख रहे हैं, देखते हैं सौतन की बेटी है कैसे ब्याह करती है, किससे ब्याह करती है। और एक हमारे हस्बैंड, उसको तो लगता है कि उसके गंगवा बेटी के लिए राजकुमार आएगा। अरे किस्मत भी वैसा होना चाहिए, भाग्य भी वैसा होना चाहिए। जब जन्म हुआ ना जन्मते अपने माँ को खा गई, उस लड़की को कोई राजकुमार ब्याहने आएगा, राजकुमार अगर उस गंगवा के लिए राजकुमार ब्याहने आएगा तो हमारा तो भगवान पर सिर्फ विश्वास ही उठ जाएगा। और जब गंगवा के लिए सौतेली बेटी के लिए राजकुमार ढूंढेंगे तो अपने बेटी के लिए कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ ढूंढेंगे अपने बेटी के लिए। वैसे तो हम उसको घर का काम पूरा सिखा दिए, सब गुण सिखा दिए, चौका बर्तन रोटी बनाना तरकारी बनाना सब। हम ऐसा लड़का ढूंढ रहे कि हमारे गंगवा को दो टाइम का रोटी खिलाए कमा के, बाकी दहेज वहेज नहीं मांगे। सुनते हैं आप लोग, आप लोगों को कोई ऐसा लड़का पता चले ना तो बताइएगा, बाकी दहेज हम नहीं देंगे, लड़की हमने गुणवान है, सब काम आता है उसको, बताइएगा हमारे गंगवा बेटी के लिए, ठीक है, बुझे ना आप लोग, हाँ बताइएगा, अच्छा लड़का बताइएगा।